दोस्तों, क्रिकेट के मैच में जब भी कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है तो उसके विकेट का क्रेडिट फील्डर को ना मिलकर बॉलर को ही मिलता है। लेकिन कभी कभी फील्डर मैदान पर कोई ऐसा कैच पकड़ लेते हैं जिसका क्रेडिट बॉलर को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कैच पकड़ने में पूरा एफर्ट फील्डर का ही होता है, जो एक शानदार शॉट को कैच करके उसे विकेट में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे ऐसे ही शानदार कैचेस के बारे में। दोस्तों, इन वीडियो में बताए हुए शानदार कैचों में मेरा फेवरेट कैच पांचवे और पहले नंबर का है। आप भी हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन सा कैच बेस्ट लगा। नंबर 10, इयान मॉर्गन। मॉर्गन अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो एक बढ़िया फील्डर भी हैं। दरअसल मुंबई इंडियंस के खिलाफ हो रहे मैच में रोहित शर्मा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित एक शानदार शॉट खेलते हैं, लेकिन मॉर्गन दीवार बनकर शॉट को कैच में तब्दील कर लेते हैं। नंबर 9, अजिंक्य रहाणे। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जितने तालमेल की जरूरत दो बल्लेबाजों की होती है, ठीक उतने ही तालमेल की जरूरत बॉलर और फील्डर्स को भी होती है। अब जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें एक मैच के दौरान बल्लेबाज ऑफसाइड की ओर शानदार शॉट खेलता है, लेकिन किस प्रकार फील्डर्स रहाणे बॉल को पकड़ने के लिए बहुत अच्छी जंप लगाते हैं और कैच लपक लेते हैं, जिसमें बैट्समैन आउट हो जाता है। नंबर 8, गुरकीरत सिंह। क्रिकेट में खिलाड़ियों को रन लेने के लिए तेज दौड़ लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कैच को लेने के लिए भी उतना ही तेज दौड़ना बहुत ही जरूरी होता है। किंग्स 11 पंजाब और पुणे वॉरियर्स के बीच मैच हो रहा था, तभी वॉरियर्स के बल्लेबाज द्वारा पीछे की तरफ शॉट लगाया गया। शॉट को देखकर ऐसा लगा कि बॉल सिक्स के लिए जाएगी, लेकिन दोस्तों होता इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़े गुरकीरत सिंह बहुत ही तेज दौड़ लगाकर ड्राइव मारते हैं और बॉल को जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लेते हैं। नंबर 7, ड्वेन ब्रावो। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पहले नंबर पर शामिल ब्रावो अच्छे गेंदबाज के साथ बेहतरीन फील्डर भी हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ब्रावो ने अपनी बॉलिंग फॉलो थ्रू खत्म होने से पहले ही बैट्समैन के जोरदार शॉट को कैच में बदल दिया। दोस्तों, ये कैच कितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। यह काम सिर्फ बेस्ट फील्डर ही कर सकते हैं। नंबर 6, बेन स्टोक्स। आईपीएल 10 के 52वें मैच में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच हुए मैच में बेन स्टोक्स ने मोहम्मद शमी का बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच लपका। उन्होंने न सिर्फ शमी को आउट किया, बल्कि टीम के लिए 6 रन भी बचाए। उनके सुपरमैन अवतार ने सभी को हैरान कर दिया। स्टोक्स की शानदार फील्डिंग ने सभी का दिल जीत लिया। नंबर 5, क्रिस लिन। इस कैच को कोई भी आईपीएल फैन जल्दी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि क्रिकेट में एक कहावत है कि कैच पकड़कर ही मैच जीत हासिल की जा सकती है, और उसका यह एक शानदार उदाहरण है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में अकेले ही जीत की तरफ लेकर जाने का काम कर रहे थे, लेकिन मैच के आखिरी ओवर में डिविलियर्स ने गेंद को हवा में बाउंड्री लाइन के करीब खड़े क्रिस लिन की तरफ मारा, जिसमें लिन शुरुआत में स्लिप हो गए, लेकिन उन्होंने जल्दी खुद को संभालते हुए एक शानदार कैच पूरा किया। नंबर 4, ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के बहुत ही जाने माने गेंदबाज हैं। इन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर बहुत सारे अहम मैचों में जीत दिलवाई है, लेकिन क्या सभी को पता है वो एक अच्छे बॉलर ही नहीं बल्कि एक अच्छे फील्डर भी हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आरसीबी और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच में मैच हो रहा है, और इस मैच में आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली हवाई शॉट लगाते हैं, तभी बाउंड्री लाइन के करीब खड़े ट्रेंट बोल्ट एक शानदार जंप लगाकर और अपने शरीर का शानदार संतुलन बनाकर कैच पकड़ लेते हैं। नंबर 3, सुरेश रैना। बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर रैना हमेशा से ही एक वर्ल्ड क्लास फील्डर रहे हैं। उन्होंने अपनी फील्डिंग से हमेशा सभी का दिल जीता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है केकेआर और गुजरात लायंस के मैच में, जिन्होंने इस मैच के दौरान स्लिप में एक हैरान करने वाला कैच पकड़ा और केकेआर की तरफ से खेल रहे सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। एबी डिविलियर्स, आप सभी ने अभी तक साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी और आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेलने वाले एबी डिविलियर्स को बड़ी और आक्रामक पारियां खेलते तो देखा होगा, लेकिन एबी कमाल की फील्डिंग भी करते हैं। जी हाँ, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच के दौरान कुछ ऐसे ही देखने को मिला। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज एलेक्स हैलेस ने जब
फाइटर शॉट लगाया, तब बाउंड्री पर खड़े एबी डिविलियर्स ने बहुत ही ऊंची जंप लगाकर सिक्स के लिए जाने वाली बॉल को कैच में तब्दील कर दिया, जिससे हेल्स निराश होकर पेविलियन वापस लौट गए। नंबर एक, कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड अभी तक के आईपीएल इतिहास में सबसे शानदार फील्डर्स में से एक माने जाते हैं और वो अपनी टीम के लिए फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन करके उन्हें लगातार मैच में बनाए रखने का काम करते हैं। पोलार्ड ने ऐसा ही कुछ आईपीएल के मैच में उस समय किया था जब उन्होंने हवा में उछलते हुए दाएं हाथ से ही कैच को लपक लिया था, लेकिन उसके बाद अपना बैलेंस ना बना पाने के कारण उन्होंने गेंद को हवा में फेंक दिया और इसके बाद जल्दी से फील्ड के अंदर आते ही हवा में डाइव लगाकर कैच को फिर से लपक कर सभी को हैरान कर दिया।